भगवान विष्णु मोहिनी का रूप धारण कर असुरों को मोहित किए और उनसे अमृत का कलश लेकर देवताओं को अमृत पिलाए। आज उसी की कथा कहेंगे। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, अमृत के लिए असुरों में पूरा कलह मच गया। वे डाकुओं के समान एक दूसरे से अमृत का घट छीनने लगे। उसी समय दैत्यों ने एक परम सुंदरी स्त्री को अपने सामने आते हुए देखा। उसे देखते ही सब दैत्य जो थे काम के ऐसे वशीभूत हो गए कि किसी को अपने तन मन की सुधि ही नहीं रही। कामदेव ने उन्हें विह्वल कर दिया। वे उन्मत्त होकर कहने लगे, आह यह कैसी मनोहर स्त्री, इसकी अलौकिक सुंदरता ने तो मुझे अपने वश में कर लिया। अहो इसकी कांति और अवस्था भी कैसी अपूर्व है। ऐसा कहकर वे अपने स्थान से उठ उठ कर उस मोहिनी के पास जाकर कहने लगे कि हे मृगलोचनी मृगनयनी, कहो तुम किसकी स्त्री हो और कौन हो, तुम कहाँ से आई हो और यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन। परंतु इतना तो हम अवश्य कह सकते हैं कि तुम देवताओं और दैत्यों में अभी एक से भी नहीं मिली। भगवान ने तुम्हारी इसलिए रचना की है कि तुम दिव्य देहधारियों के मन को भली भांति तृप्त कर सको। अतः हे भामिनी, हमारी यह प्रार्थना है कि तुम हम सब के मन को भली भांति तृप्त करो। हमारे कल्याण के लिए ही ईश्वर ने तुम्हें यहाँ भेजा है। हम सब कश्यप जी के पुत्र और परस्पर में भाई हैं। देखो इस समय हम लोग अमृत पीने के लिए आपस में विवाद कर रहे हैं। सो इस विवाद को दूर करने के लिए हम लोग तुम्हें अपना पंच बनाते हैं। यह अमृत से भरा हुआ कलश तुम हम सब में बांट। हे परीक्षित, जब दैत्यों ने इस प्रकार उन मोहिनी रूप भगवान से कहा, तब उसे सुन भगवान ने हंसकर कहा कि हे कश्यप जी के सुपुतों, भला मुझ सरीखी बेविचारनी स्त्री पर तुम लोग किस प्रकार क्यों मुग्ध हो रहे हो। पंडित जन कामनी स्त्रियों का विश्वास नहीं करते, क्योंकि नित्य नया जार खोजने वाली स्त्रियों और कुत्ते के समान व्यभिचारियों पुरुषों का विश्वास ही क्या है। उल्टाओं की दोस्ती विश्वास के योग्य नहीं मानी जाती। ऐसे ज्ञानियों का विचार है। हे राजन, इस प्रकार अपनी लीला में लपेट कर और उन असुरों को अपने प्रिय वचनों से मोह कर उस मोहिनी स्वरूप ने कलश उनसे ले लिया और हंसकर कहा, सुनो भाई, मेरा किया काम चाहे अच्छा हो या बुरा, किंतु उसे तुम्हें स्वीकार अब करना ही होगा। यदि तुम्हें मेरा यह प्रस्ताव स्वीकार है तो मैं इस अमृत को विभाजित करूं। तब बड़े से बड़े दैत्य भी, जिन्हें मोहिनी की बल भरी बातों का पता न चला, जिन्हें उसके तत्व की पहचान न हो सकी थी, उसी बात को सुनकर वे कहने लगे, मोहिनी तुम जो कहती हो वह हमें स्वीकार है। इन बातों और इन झगड़ों में दैत्यों को एक दिन उपवास करना पड़ा। दूसरे दिन सब दैत्यों ने यज्ञ किया और नियम पूर्वक गौ ब्राह्मण तथा अन्य जीवों को यथोचित दान दिया और स्वस्ति वाचन कराया। फिर जिसकी जैसी रुचि थी उसके अनुसार वे एक से एक श्रेष्ठ और सुंदर आसनों पर जा बैठे। उचित स्थानों पर पुष्प और धूप दीप रख दिए गए। देवता भी उस पर जाकर बैठ गए। तब मोहिनी ने अपने हाथों में अमृत का कलश ले उस सुंदर शाला में बैठी, जिसमें देवता और दैत्य दोनों ही अमृत की प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। मोहिनी की सुघर जंघाओं पर रेशमी वस्त्र शोभित हो रहा था। उसका नितंब घड़े के पास था तथा वह सुवर्ण के नुपुरों को पहनी हुई मंद मंद गति से ऐसे चल रही थी कि उसे देखते ही चित्त विह्वल सा हो जाता था। उसका विशाल नेत्र मानो मद से भरे हुए थे और वह विश्वमोहिनी दूसरी लक्ष्मी के ही समान जान पड़ती थी। उसके सौंदर्य का वर्णन करना व्यर्थ है और वह इस प्रकार अपने मंद हाथ से देवता और दैत्य दोनों को ही विमोहित कर रही थी। तब अमृत का घट लेकर उस शाला में पहुंचते ही उसने मोहिनी रूप भगवान ने सोचा, दैत्यों को अमृत देना सर्प को दूध पिलाना है, अतः मैं अपने पूर्व निश्चय के अनुसार
देवताओं को पिलाऊंगा, ऐसा सोचा। उसने अमृत दैत्यों को न पिलाकर देवताओं को ही पिला दिया। यद्यपि उस शाला में देवता और दैत्य दोनों पास ही पास बैठे हुए थे, फिर भी मोहिनी रूप भगवान ने उनके निकट पहुंचकर पहले उन्होंने जाकर दैत्यों से खूब हाव भाव युक्त मीठी बात किए, और जब देखा कि दैत्य उनकी बातों पर ही लट्टू होकर सुधी विभोर हो जा रहे हैं, तब उन्हें उस प्रकार चलकर वे शीघ्र ही देवताओं के निकट पहुँच उन्हें जरा मृत्यु से रहित करने वाले अमृत को पिला दिया। तब स्त्री से झगड़ा करना अधर्म है और उनसे की हुई प्रतिज्ञाओं को भंग करना पाप है। ऐसे अपने पूर्व के किए हुए निश्चयों पर दैत्य अटल रहे, और यह देख कर भी कि हमें अमृत न मिलकर देवताओं को मिला, वे मोहिनी को भी कुछ भी नहीं कह सके। वे उसके प्रेम में ही अनुरक्त थे। उन्हें यह विचार आया कि मोहिनी को नष्ट न किया जाए, नहीं तो यह हमें छोड़कर चली जाए, क्योंकि मोहिनी बात इससे उनका माने दैत्यों का बड़ा आदर करते थे। इन सब कारणों से मोहिनी को कुछ कह न सके, परंतु मोहिनी की चालाकी को राहु समझ गया था। इससे वह देवताओं के ही समान रूप धारण कर और देवता के बीच में जा बैठा था। इससे उसे भी अमृत पीने को मिल गया, किंतु सूर्य और चंद्रमा को उसका पता लग गया था। इससे उन्होंने विष्णु जी को वह बतला दिया। विष्णु जी ने चक्र चलाकर राहु का सिर काट दिया। इससे अमृत उसके कंठ के नीचे नहीं उतर सका। उसका खंडित सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु मुख तक तो पहुंचा ही था, जिससे ब्रह्मा जी ने उनके सिर को अमरत्व देकर उसे ग्रह बना दिया। उसी क्रोध से यह आज तक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य पर आक्रमण करता ही रहता है। इस प्रकार जब देवता और दैत्य अमृत पी चुके, तब संसार के रक्षक भगवान ने दैत्यों को देखते ही देखते अपने वास्तविक रूप को पुनः धारण कर लिया। हे परीक्षित, यद्यपि उन भगवान के निकट देवता और दैत्य दोनों ही बराबर थे, तथापि भगवान के चरण कमल में अतिशय प्रीति के कारण देवता ही अमृत के अधिकारी हुए, और वह शुभ अवसर दैत्यों को नहीं प्राप्त हो सका। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु, जय श्री।